नमस्ते, हूँ आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 6, ट्रैफिक लाइट्स। हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 6। टुडे वी विल लर्न ट्रैफिक लाइट्स। ऑन द प्रीवियस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड अवर एक्टिविटी 3, राइट? And activity 2 and activity 3, right? Now, today we will continue with activity 4. So children, please open your textbook, page number 43. Answer the following questions. So children, we have to solve the questions, right? So yahan pe aapke paas question hai, chalo, ab hum write down karte hain uske answers. So children, please take out your pen and you have to note down this also, right? So first hamara question hai, question A, right? How did red, orange and green have great fun together? Right? Here you can see I had prepared questions and their answers. How did red, orange and green have great fun together? So, bacho, kya aap mujhe bata sakte ho red, red light, green light or orange light? Teenon ke se teenon saath maze kaise karte the? Kya aap mujhe bata sakte ho? To chalo, ab hum answer dekhte hain, right? They control so many cars, scooters, rickshaws and buses. तो आपने देखा होगा हमारे लेसन में, राइट, हमारी स्टोरी जो थी ट्रैफिक लाइट, उसमें आपने देखा था कि वो ज्यादातर काम करते थे, क्या करते थे, बस से कार्स, स्कूटर्स, रिक्शाज एंड बसेस को कंट्रोल करते थे। आपने देखा ही होगा ट्रैफिक सिग्नल वगैरह, वहां पे बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, देयर आर सो मेनी व्हीकल्स, उनको कंट्रोल करना सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक लाइट्स के हाथ में ही होता है, राइट? एंड दे एंजॉय स्टॉपिंग द व्हीकल्स। तो उनको जो व्हीकल्स को स्टॉप करती थी, राइट, रेड लाइट स्टॉप करती है ना, तो दे एंजॉय द स्टॉपिंग द व्हीकल्स, लेटिंग द पीपल क्रॉस। फिर जैसे आपने देखा होगा ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, राइट, और जहां पे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ वहां पे आपने देखा होगा जैसे ही व्हीकल स्टॉप होते हैं, राइट, व्हीकल स्टॉप होते हैं और वहां से आपको देखते हैं, तो पीपल्स को जाने की जाने दिया जाता है, राइट। दे एंजॉय स्टॉपिंग द व्हीकल्स, लेटिंग द पीपल क्रॉस। तो पीपल वहां से क्रॉस होते हैं एंड व्हेन अलाउइंग द व्हीकल्स गो, जैसे ही पीपल क्रॉस कर लेते हैं रोड, फिर बाद में फिर से व्हीकल्स को जाने देते हैं, राइट। तो नेक्स्ट, दे वर्क हार्ड ऑल डे एंड हैव ग्रेट फन टुगेदर। इतना काम, बिजी, इतना पूरा दिन बिजी वर्क करने के बावजूद भी वो लोग पूरा दिन हैप्पी रहते थे, फ्रेश रहते थे और फन करते रहते थे, राइट। साथ में हार्ड वर्क करके भी वो लोग फन करते थे। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन 1 एंड इट्स आंसर, राइट, इन द फेयर। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई डिड ऑरेंज फील हॉट एंड मिजरेबल। तो बच्चों, ऑरेंज ऑरेंज को इतना हॉट फील क्यों हुआ था, उसे इतना बुरा क्यों लगा था? तो चलो देखते हैं आंसर। बिकॉज रेड एंड ग्रीन लव टू हिम एंड दे टोल्ड हिम दैट दे डोंट नीड हिम, राइट, एंड ही इज यूजलेस। उनको इतना हार्डली ऐसे बुरा लग गया था क्योंकि ऑरेंज, रेड और ग्रीन ने उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, बहुत ही बिहेवियर भी बहुत ही खराब किया था, कि उसको कह दिया था तुम यूजलेस हो, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, राइट, और बहुत कुछ ऐसे सुना दिया था जिसके कारण वो ऑरेंज अपने आप को बहुत ही गिरने से फील कर रहा था, वो बहुत ही हॉट और मिजरेबल हो गया था, राइट। सो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स सी अवर थर्ड क्वेश्चन। चिल्ड्रन, लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। What happened when orange stopped working? So children, can you tell me? जैसे ही ऑरेंज लाइट ने अपना काम करना बंद कर दिया था, अपना वर्क करना स्टॉप कर दिया था, तो क्या होने लगा था? क्या आइडिया लगा सकते हो? Yes, we had learned this story and we had learned this lesson. तो आपको पता ही है, right? Now we have to write the answer, right, children? First, there was force on the busy road. Traffic came to when they suddenly turned green, there was more confusion when orange stopped working. तो आपको पता ही है, जैसे
करना बंद कर दिया था तो पूरे रोड में ट्रैफिक जाम हो गई थी, राइट? ट्रैफिक हो गया था, पूरा बिजी रोड हो गया था. एंड देन ट्रैफिक इतना बढ़ गया था कि सडनली, जैसे कि वो पहले रेड लाइट होती थी और सडनली रेड लाइट बंद कर होते डायरेक्ट ग्रीन लाइट हो जाती थी, तो एक बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, राइट? तो पीपल्स जो व्हीकल्स में यहाँ वहां जा रहे थे, राइट, ट्रैवल कर रहे थे, उनको बहुत ही कंफ्यूजन हो रही थी और जो चल रहे थे पीपल्स उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, राइट? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी. व्हाट डिड द पुलिस ऑफिसर से व्हेन ही सॉ दैट ऑरेंज वाज नॉट वर्किंग? तो पहले तो सब ये रश हो गया था और बहुत भागा दौड़ी हो गई थी, फिर जैसे ही पुलिस ऑफिसर को पता चला कि अरे हाँ ये ऑरेंज लाइट तो चल नहीं रही, तो क्या हुआ था, राइट? नाउ लेट्स लुक एट द आंसर ऑफ इट. द पुलिस ऑफिसर से व्हाई इज इट ऑरेंज वर्किंग विदाउट ऑरेंज हाउ कैन आई कंट्रोल द ट्रैफिक? वो ये सेंटेंस बोलता है, राइट? वो कहता है अरे मैं क्या करूं इस ऑरेंज के, ऑरेंज लाइट के बगैर मैं ये ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? व्हाट डिड वी से? वो क्या कहता है? ये कहता है व्हाई इज इट ऑरेंज वर्किंग विदाउट ऑरेंज हाउ कैन आई कंट्रोल द ट्रैफिक देन ही स्विच लाइट ऑफ. फिर जैसे इसे पता चला कि अब तो ये ऑरेंज लाइट वैसे भी नहीं चल रही है, तो उसके बगैर उसको रेड लाइट और ग्रीन लाइट में कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि टीम के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, राइट? तो रेड लाइट और ग्रीन लाइट जब साथ में काम कर रहे थे तब तक ओके था, तब तक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ऑरेंज लाइट ने अपना काम बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया वर्क, तब बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी. Then he switched light off. बाद में उसने lights को off कर दिया, right? Now next question is question E. What do you think red and green felt when they heard the police officer's word? Red light और green light ने ऐसा क्या feel किया था? उसने ऐसा क्या realize किया था कि हाँ भाई हम गलत है, right? उसको sorry feel हुआ था ना? तो चलो देखते हैं answer, right? They realize that everyone is important. They realize that हमको realize होता है कि everyone is important. सब importance होते हैं. कोई ऊपर नीचे नहीं होता, कोई important, कोई useless, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है. Importance in their own way. They were sorry for being rude to orange. फिर वो feel करते हैं, sorry feel करते हैं. जो रूड बिहेवियर किया था ऑरेंज के साथ, तो वो सॉरी फील करते हैं टू ऑरेंज एंड फॉर व्हाट दे हैड सेड टू हिम. और उन्होंने जो उसके लिए जो हार्ड वर्ड्स बोले थे, कितना बुरा भला कह दिया था ना, तो ऑरेंज तो बहुत ही हर्ट फील हो गया था, तो उसने जो जो बातें सुनाई थी उसके बारे में वो सोच के वो सॉरी फील कर गए थे. विदाउट ऑरेंज दे वेर नॉट अ टीम. फिर उनको रियलाइज होता है कि हाँ भाई हम ऑरेंज के बगैर हम कोई टीम नहीं है, हम कोई साथ में काम नहीं कर सकते, हमारा कोई वजूद नहीं रहता. हम जब साथ में है तब हमारी टीम साथ में है, हमारा वर्क साथ है, तो हमारा काम भी दिखता है, हमारा काम जो हम करना चाहते हैं वो काम सक्सेसफुली कंप्लीट होता है. लेकिन सिर्फ जैसे ही उन्होंने ऑरेंज को अलग कर दिया, उसके उससे अलग कर दिया, उसको अपने उन्होंने अपने काम को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी, बल्कि ऑरेंज को बहुत ही नीचे गिरा दिया था कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम यूजलेस हो, तुम तो बिटवीन में हो, बीच में हो, तुम्हारा क्या काम है, राइट? ऐसा नहीं सोचना चाहिए. तो ये बाद में उनको रियलाइज होता है, जैसे ही ट्रैफिक पुलिस ने जो वर्ड्स बोले थे कि मैं ऑरेंज के बगैर कैसे कंट्रोल करूँ, राइट, तो वो सुन के ही उनको सारी रियलाइज हो जाती है कि हाँ ये बहुत ही गलत हुआ है, तो सॉरी फील करते हैं, राइट? So children, here our activity 4 is complete. I have prepared questions and their answers. You have to write down in your notebook, right children? Now students, let's start our activity 5. So first we have to read heading of it, right? Read the following words, group of the words. Write them in the appropriate box. So aapko yahan pe two boxes dikh rahe hain. To chalo heading pehle read karte hain. When all the three lights work properly and the second box
प्रॉपरली वर्क हो रहा है, थ्री लाइट्स का तब ट्रैफिक जाम होता है कि या फिर व्हेन वन ऑफ द ट्रैफिक लाइट स्टॉप हो गए, एक ट्रैफिक लाइट बंद हो जाती है तब ट्रैफिक जाम होता है। चलो कौन बताएगा हमें, इस टेबल में लिखना चाहिए या फिर इस बॉक्स में लिखना चाहिए, राइट? तो आई थिंक वेरी गुड। तो ट्रैफिक जाम कहां पे होता है, जब वन लाइट चल नहीं रही होती है। तो यहां पे हम लिखेंगे ट्रैफिक जाम, राइट? यू हैव टू राइट डाउन हियर इन दिस बॉक्स और आपको स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है, राइट? ओके, टी आर ए डबल एफ आई सी जे ए एम, ट्रैफिक जाम। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्मूथ ट्रैफिक। स्मूथ ट्रैफिक कब होती है, रोड क्लियर हो जाता है, ट्रैफिक जाम नहीं होती है, इजीली सारे व्हीकल्स चले जाते हैं, इजीली सारे पीपल्स वॉकिंग कर सकते हैं, क्रॉस बाय रोड हो सकते हैं, सब इजीली स्मूथली कब होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड हमें मेंशन करा है, ओके, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो। सेकेंड इज स्मूथ ट्रैफिक, नाउ यू हैव टू राइट डाउन हियर स्मूथ एस एम ओ डबल ओ टी एच टी आर ए डबल एफ आई सी स्मूथ ट्रैफिक एंड दिस इज ट्रैफिक जाम, राइट? नाउ लेट्स से आवर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, व्हीकल्स फॉलो सिग्नल्स। चलो व्हीकल्स सिग्नल को कब फॉलो करते हैं, जब सही से सिग्नल चल रहा होगा तभी तो फॉलो करेंगे, राइट? सो वी हैव टू राइट हियर व्हीकल्स फॉलो सिग्नल्स, सो वी हैव टू राइट हियर, राइट? व्हीकल्स वी ई एच आई सी एल ई एस फॉलो सिग्नल्स एस आई टी एन ए एल एस व्हीकल्स फॉलो सिग्नल, राइट? नाउ नेक्स्ट वर्ड इज क्योर्स। तो ट्रैफिक पूरा रास्ता जाम क्यों हो जाता है, यानी कि पूरी अव्यवस्था क्यों हो जाती है, जब लाइट नहीं चल रही होती है तो, राइट? तो यहाँ पे आएगा सी एच ए ओ एस क्योर्स। नाउ यू हैव टू ड्रॉ वन मोर लाइन, प्लीज यूज योर स्केल एंड डू प्रॉपरली। नाउ सेकेंड नेक्स्ट वर्ड इज पीपल क्रॉस द रोड इजीली। सो चिल्ड्रन व्हेन ऑल द थ्री लाइट्स वर प्रॉपर, तभी तो पीपल फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पीईओ पी एल ई पीपल क्रॉस सी आर ओ डबल एस क्रॉस द रोड आर ओ ए डी रोड इजीली ई ए एस आर एल वाई इजीली, राइट? सो हमें ये वाला भी बॉक्स मिल गया है। नेक्स्ट इज हियर यू विल सी पीपल गेटिंग कंफ्यूज। व्हेन द पीपल गेटिंग कंफ्यूज, पीपल जब कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैंने देखा था जब ऑरेंज लाइट ने अपना काम करना बंद कर दिया था तभी तो सब कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई थी और पीपल इजीली रोड भी क्रॉस नहीं कर सकते थे और फिर कंफ्यूजन भी बहुत बढ़ गई थी, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीपल गेटिंग पीईओ पी एल ई पीपल गेटिंग जी ई डबल टी आई एन जी गेटिंग कंफ्यूज सी ओ एन, राइट? पीपल गेटिंग कंफ्यूज। नाउ नेक्स्ट इज हॉकिंग। हॉकिंग का होता है, हॉर्न सब कब बजाते हैं? यस, जब ट्रैफिक जाम होगा तभी तो बजाएंगे, राइट? तो लास्ट यहाँ पे है हॉकिंग, वी हैव टू राइट डाउन हियर। तो फर्स्ट बच्चों प्लीज टेक आउट योर स्केल और आपको अच्छे से लाइन प्रॉपर ड्रॉ करनी है। मेरे पास तो इतनी बड़ी स्केल नहीं है तो मैं तो हाथ से करूंगी, डोंट फॉलो मी, मेरी आड़ी टेढ़ी लाइन है, आपको भी आड़ी टेढ़ी लाइन नहीं करना है, ओके? तो हॉकिंग कहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे, राइट? ओके, नाउ हॉकिंग एच ओ एन के आई एन जी हॉकिंग। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट वर्ड एक्सीडेंट। चलो चलिए कौन बताएगा एक्सीडेंट कब होता है, जब ट्रैफिक जाम होता है, कंफ्यूजन होता है, फिर कंफ्यूजन के साथ साथ पीपल यहाँ वहाँ क्रॉस नहीं कर सकते, रेड लाइट ग्रीन लाइट और ऑरेंज लाइट कंफ्यूजन हो रही है पीपल्स को, तभी तो एक्सीडेंट होंगे। इट मीन्स व्हेन वन ऑफ द ट्रैफिक लाइट स्टॉप वर्किंग एक्सीडेंट्स क्रिएट।
तभी होता है, राइट। इजीली सब स्मूथली चल रहा है, सब लाइट्स प्रॉपरली चल रही है, हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तब तो एक्सीडेंट हो गया ही नहीं। तो यहाँ पे हमें लिखना है एक्सीडेंट, ए डबल सी आई डी ई एन ई एस, एक्सीडेंट, राइट। तो चलिए यहाँ पे और यहाँ पे हमें कितने वर्ड्स प्रॉपरली राइट डाउन करने हैं, राइट। तो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में फिलअप कर लेना, ओके चलिए। Thank you for joining us.